हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी कॉर्न पालक की रेसिपी, जो बहुत खाने में बहुत टेस्टी और बनाने में झटपट बन जाती है। इसके लिए मैंने क्या किया है, कॉर्न लिया है और मैंने पालक सोया को अच्छे से साफ करके कुकर में डाल दे रही हूँ। मैंने आधा किलो पालक लिया है और दो सीटी आने तक को आप इसको कुकर में पकाएंगे। देखिए, जब ठंडा हो जाए तो आप इसको निचोड़ लीजिए। इसके पानी को बिल्कुल नहीं वेस्ट कीजिए ना फेंकिए। आप चाहे तो इसके पानी से आटा गूंथ सकते हैं, फिर आप दाल बनाए उसमें यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा पानी इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर एक पैन में एक चम्मच के दो चम्मच के करीब ऑयल डालिए, फिर तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, राई जीरी का तड़का दे दीजिए। आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं। फिर मैंने क्या किया है, जब तक ये हमारा पक रहा है, मैंने लहसुन की कलियां और करी पत्ता और तीन हरी और लाल मिर्च मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैं ब्राउन होने तक भूनूंगी। आप चाहे तो कांदा भी कट करके डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें कॉर्न भी डाल दिया है, इसको भी मैं फ्राई करूँगी और इसको ढक दूँगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। आप जब भी कॉर्न लें, सॉफ्ट वाला कॉर्न लें जिसे जल्दी से मिक्स हो जाए। फिर इसमें मैंने एक टमाटर कट करके डाल दिया है, उसको भी मैं कंटिन्यूस चलाती रहूँगी और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा। अब इसको हम 2 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। हमारे टमाटर गलने लगे हैं, पानी छोड़ रहा है टमाटर हमारा, इसको हम चलाते रहेंगे। जब हमारे टमाटर एकदम अच्छे से पक जाएंगे, इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्का सा मिर्ची डालना, वो भी कस्तूरी मिर्ची, आप जो भी डालना चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और धनिया पाउडर जर्रा सा और जर्रा सा गरम मसाला, छोटे चम्मच का, आधा से कम चम्मच, 1/4 चम्मच। आप इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एकदम अच्छे मिक्स हो गया है का, तो इसमें हम जो हमने पालक पीसा था उसको इसके अंदर हम डाल देते हैं। देखिए, फिर इसमें थोड़ा सा आप आधा कटोरी पानी ऐड कर दीजिए मिक्स करने के लिए। जब एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये एकदम कंटिन्यूस आप इसको चलाते ही रहिएगा, क्यों, जिससे कि ग्रेवी लगे नहीं और इसका कुछ भी टेस्ट अलग से ना आए, ठीक है। उसको बाद आप इसको गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा, नहीं तो छींटे आ सकते हैं। फिर इसमें मैं आधी कटोरी और पानी ऐड करूँगी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिए, अब इसको हम मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा गाइस, फिर इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए, हमारा पालक एकदम अच्छे से पक चुका है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर दीजिए। आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम खाते हैं तो कम करिए, ऑप्शनल है। हमारा कॉर्न पालक बन के एकदम रेडी हो चुका है। अब आइए, आप इसे सर्व कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो जाए गाइस, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल का आई बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।